हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ग्राफिक डिजाइन हिंदी। दोस्तों, आपका मेरे इस चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे 5x3 साइज का ये जो मैटर देख रहे हो स्क्रीन पे, इसका बैनर कैसे क्रिएट कर सकते हैं और 5x3 का बैनर कैसे बनाते हैं, ये भी आप देख लीजिएगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे इसका साइज सिलेक्ट करना है। दोस्तों, ये जो यहाँ पे ऊपर ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखना है 5 और यहाँ पे 3, ये बॉक्स उसी साइज में हो जाएगा। दोस्तों, रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना है, रेक्टेंगल टूल फिल हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब दोस्तों, इस इमेज को इधर से यहाँ पे एरो लेके आ, कर्सर लेके आ, शिफ्ट कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये ऐसा एरो बनता है। और उसको उसको जब आप ड्रैग क्लिक करके ड्रैग करेंगे अंदर को, तो ये इमेज एक साथ चारों तरफ से छोटी होगी। दोस्तों, यहाँ से और ऐसे ही करके इसको शिफ्ट के साथ इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, सी ई प्रेस करेंगे तो सेंटर लाइन हो जाएगा। अब दोस्तों, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट F2 प्रेस करेंगे। अब दोस्तों, इसका मैटर टाइप कर लेता हूं मैं, फेमस फेमस चार्ट कुल्फी सेंटर, ये इसका मैटर है। और नीचे ये है कुछ शादी पार्टी के शुभ अवसरों में चाट कुल्फी के ऑर्डर लिए जाते हैं और प्रोपराइटर में जगजीवन कुशवाहा। मुझे मोबाइल नंबर है, दोस्तों मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं। और इसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, हमें इसको सेट करना है फेमस चार्ट कुल्फी, कुल्फी में पूरा लिख देता हूँ, कुल्फी गलत लिखा हुआ है, तो इस तरह से लिखिए। अब दोस्तों, इतना मैटर यहाँ से पहले हम लोग कट कर लेते हैं और यहाँ से इसकी कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, इसको एक साइड में कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद क्या करना है, हमें फेमस चार्ट कुल्फी सेंटर इसको स्टाइलिश लिखना है। तो आप नेट से एक बैकग्राउंड निकाल लेंगे कुल्फी का बैकग्राउंड, तो कुल्फी बैकग्राउंड आप चाहें तो और भी इमेज लगा सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं। मैं एक सिंपल आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने ये लगा लिया, या आप ऐसे ही बैकग्राउंड नेट से निकाल सकते हैं, येलो टेक्सचर ट्रैक बैकग्राउंड, तो कुछ इस तरह से आपको बैकग्राउंड येलो कलर का नेट से निकाल आएगा। दोस्तों, तो जैसे कि मैंने ये बैकग्राउंड निकाल लिया है, या कोई भी आप चूज कर सकते हैं, टोटली आपके ऊपर है। तो मैंने ये बैकग्राउंड यहाँ से निकाल लिया येलो कलर का, तो कॉपी करते हैं और यहाँ पे उसको पेस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह। उसको तो शिफ्ट के साथ पेस्ट डाउन करेंगे तो इसके नीचे हो जाएगा, इसको ड्रैग करके छोटा करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, पावर क्लिक इनसाइड कर लेंगे, इसके अंदर। अब दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा बड़ा कर लिया। अब इसको क्या करना है, फेमस चार्ट कुल्फी को स्टाइलिश करना, तो फेमस को दोस्तों थोड़ा बोल्ड कर देंगे, और फेमस को बोल्ड करने के लिए इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, फॉन्ट यहाँ चेंज करेंगे। और ये मैं ये फॉन्ट लगा के देखता हूँ, ये ठीक लग रहा था, दूसरा फॉन्ट चेंज कर लेते हैं दोस्तों, जैसे कि ये फॉन्ट मैंने लगा दिया। अब इसको थोड़ा बोल्ड कर लेंगे, फेमस कुछ इस तरह से, देखिए इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे। टेढ़ा करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ पे डबल क्लिक करना है और ये देखिए ऑप्शन ये देने लगा, इसको क्लिक करेंगे, ऐसे ड्रैग करेंगे, जितना आप रोटेट करेंगे उतना रोटेट हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे ऐसे करके आपको फेमस कर देना, तो थोड़ा सा टेढ़ा करना कुछ इस तरह से। और चार्ट कुल्फी दोस्तों, यहाँ पे इसकी कॉपी करके मैं कंट्रोल भी करूँगा और चार्ट कुल्फी सेंटर को सीधा लिख देंगे। दोस्तों, यहाँ पे जीरो कर देंगे तो सीधा हो जाएगा, इस पे पर मैं जीरो करना है और एंटर कर देना, सीधा हो जाएगा। चार्ट कुल्फी सेंटर को भी दोस्तों बोल्ड कर देंगे, तो इसको इसको दो लाइन में कर देते हैं और एंटर कर देंगे, फॉन्ट इसका भी चेंज कर देंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करके इसका साइज बड़ा कर लेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से, फेमस चार्ट कुल्फी सेंटर। अब दोस्तों, क्या करना है, यहाँ पे नीचे इसका मैटर लिखना है, जैसे कि ये मैटर है इसका
शादी पार्टी, इसको एक लाइन में लिख लेंगे या दो लाइन में लिख लेंगे। इसको यहाँ से तोड़ लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं और इसको यहाँ पे कर लेते हैं, कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो अलाइन हो जाएगा, मतलब बीच में हो जाएगा सेंट्रल लाइन। और दोस्तों यहाँ से F10 सेलेक्ट करेंगे और इसको ऐसे कर लेंगे, छोटा ड्रैग कर लेंगे। यहाँ से आप चाहें तो इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, मैं इसका फॉन्ट यही रहने दूंगा कुछ इस तरह से। इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे और दोस्तों यहाँ पे इसका जो प्रोप्राइटर जगजीवन कुशवाहा इसको थोड़ा छोटा लिख देंगे और यहाँ पे उनका पता भी लिख सकते हैं, अगर आपको कोई पता है तो उसमें पता भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे पता करके यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे नीचे में एक पट्टी डाल दूंगा, पट्टी डालने के लिए आप इसको क्लिक करके और यहाँ पे लाके ऐसे करके जब छोड़ेंगे तो ये ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे ब्लैक कलर फिल कर लेते हैं, पावर क्लिक में अंदर जाने कंट्रोल की ओर से कंट्रोल प्रेस करेंगे और राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, इसमें जो ये नीचे पता है इसको यहाँ पे लिख देंगे ऐसे और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके वाइट कर देंगे और यहाँ पे प्रोप्राइटर जगजीवन कुशवाहा को कुछ इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पे पता इस लाइन में आ जाएगा और उसके जस्ट बाद ही प्रोप्राइटर जी का नाम आ जाएगा यहाँ पे। प्रोप्राइटर शिफ्ट के साथ पेजअप करेंगे, अगर कोई चीज नीचे चली जाती है दोस्तों तो ऐसा सजा करके शिफ्ट के साथ पेजअप करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह। अब दोस्तों यहाँ पे कुल्फी की इमेज और चाट की इमेज लगा सकते हैं, तो मैं नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पे कुल्फी PNG, कुल्फी तो ये जैसे कि देखिए कुल्फी की इमेज है, ये ऐसी नेट से इमेज डाउनलोड कर लेते हैं कुल्फी की, जो भी आपको ठीक लगे आप वो लगा लीजिएगा। तो यहाँ पे लगता हूँ कुल्फी आइस क्रीम PNG। देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से ये इमेज आ गई, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना तो दोस्तों मैं यहीं से नेट से ही कर लेता हूँ रिमूव बीजी से। तो कुल्फी में क्लिक करूंगा, इमेज कॉपी इमेज एड्रेस, यहाँ पे सर्च करेंगे रिमूव बीजी और यहाँ पे ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे VR URL पेस्ट करना, तो मैंने वहाँ से कॉपी करा था और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करके पेस्ट कर देता हूँ, उसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद दोस्तों इसका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा, इमेज डाउनलोड पे क्लिक कर लेंगे और फिर कंट्रोल I प्रेस करेंगे, यहाँ से डाउनलोड इमेज कर लेंगे। दोस्तों इसको इमेज को थोड़ी बड़ी कर लेंगे, कुल्फी की इमेज को थोड़ा बड़ी कर लेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से। और यहाँ पे चार्ट को भी ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चार्ट PNG। तो ये देखिए दोस्तों चार्ट भी मैंने इमेज डाउनलोड कर लिया, आप चार्ट की इमेज कोई भी लगा सकते हो। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ पेस्ट करके इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो एक इमेज यहाँ से लगा सकते हो और इसको यहाँ से ट्रांसपेरेंसी इसकी कम कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक करके और यहाँ से इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो कुछ इस तरह से दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों क्या करना है, हमने इसको बिटमैप में कन्वर्ट करना है। दोस्तों बिटमैप में कन्वर्ट करने के पहले यहाँ पे क्लिक करके आप इसका रिजेंपल बिटमैप में देख सकते हैं इसका कितनी DPI है। तो दोस्तों यहाँ से लिखा हुआ 244, तो इसको बिटमैप में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे 244 ही करनी होगी कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इसका RGB मोड कर लेंगे, ओके कर देंगे दोस्तों, तो इमेज क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, वो बिटमैप में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों यहाँ से फिर ट्रांसपेरेंसी टूल लेके इसको इतना ड्रैग कर लेंगे नीचे की इमेज को, ब्लर कर देंगे मतलब ट्रांसपेरेंट कर देंगे, फिर इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर लेंगे दोस्तों और यहाँ से इसको भी थोड़ा ब्लर कर देंगे और फिर इसको बिटमैप में कन्वर्ट कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इस इमेज को तो टेक्स्ट लिखा है इसको ऊपर निकाल लेंगे और इमेज थोड़ी और बड़ी कर लेंगे और दोस्तों इसको भी इसके ऊपर कर लेंगे। अब यहाँ पे फेमस को थोड़ा स्टाइलिश लिखना है, तो फेमस को जितना इसमें एडिटिंग में आप टाइम देंगे दोस्तों उतनी डिजाइन अच्छी होगी। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको काउंटर टूल पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको ड्रैग करके कुछ इस तरह से और कंट्रोल के करता हूँ, एक पार्ट इसका ब्रेक हो जाएगा दोस्तों। और इसका कलर कर लेते हैं व्हाइट और दोस्तों इसमें एक
इसको फिर से कॉपी करेंगे तो प्लस प्रेस करेंगे कीबोर्ड से और इसको राइट एरो से अप डाउन कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसको पीले कलर से फिल करेंगे और इसको कंट्रोल पेज डाउन करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे इसका कलर करते हैं हम लोग ब्लू और इसका कलर करते हैं ऑरेंज कुछ इस तरह से। अब दोस्तों या फिर इसका कलर करते हैं हम लोग सियान और इस पे क्लिक करेंगे, उसको ब्लेंड पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से। ब्लेंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से ये इफेक्ट आ जाएगा इसका ऐसा। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, यहाँ से इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ब्रेक करने के लिए कंट्रोल के प्रेस करेंगे, नीचे वाली कलर को सेलेक्ट करके कंट्रोल के प्रेस करेंगे तो ये दोस्तों ब्रेक हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, जो हमारा फेमस लिखा हुआ है दोस्तों इसको एडजस्ट करना, और फेमस का हम लोग यहाँ पे ड्रॉप शैडो क्रिएट कर लेंगे, इसी पे फेमस पे ड्रॉप शैडो क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से ड्रॉप शैडो क्रिएट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे 65 और फ्लो इसका 5 रखेंगे कुछ इस तरह से और कंट्रोल की करके इसको ब्रेक कर लेंगे। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे इसमें एक आउटलाइन दे सकते हो आप, F12 कीबोर्ड से प्रेस करोगे और यहाँ पे आउटलाइन का पैनल खुल जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आपको एक क्लिक करना है एक पॉइंट पे और यहाँ पे बिहाइंड फिल और ओके कर देना। और दोस्तों आउटलाइन थोड़ी मोटी करनी है तो 2 या 4 कर सकते हो आपके ऊपर है, तो मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ और इसका कलर कर देता हूँ येलो या जो भी ठीक लगता है मैं वो कर देता हूँ। तो मैं इसका कलर कर देता हूँ प्योर ब्लैक कुछ इस तरह से। दोस्तों मैंने इसका कलर ब्लैक कर दिया जो कि देखने में ठीक लग रहा है। और चाहो तो आप इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करते हो, तो मैं यहाँ जी से प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से और इस पे आप येलो या कुछ भी आप इसमें लाइट करके लगा सकते हो कलर दोस्तों कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इस पूरे को सेलेक्ट करना है और इसमें एक ड्रॉप शैडो क्रिएट करना है, तो मैं इसको कलर करके ड्रॉप शैडो क्रिएट करता हूँ या फिर सिर्फ आप इसको नीचे वाले पे ड्रॉप शैडो लगा सकते हो। दोस्तों इन दोनों को सेलेक्ट करके ग्रुप कर लेंगे ड्रॉप शैडो और इसको, और इसको कंट्रोल एक्स से थोड़ी देर के लिए हटा लेंगे और इसमें आपको ड्रॉप शैडो क्रिएट करनी है। इसको सेलेक्ट करके ड्रॉप शैडो पर क्लिक करेंगे और 75/5 कर देंगे इसमें नीचे कुछ इस तरह से, कंट्रोल के करेंगे। और दोस्तों ये ड्रॉप शैडो इसके ऊपर है तो कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करके पेज डाउन करेंगे तो इसके नीचे चली जाएगी। अब दोस्तों क्या करना है, आप चाहो तो यहाँ पे भी इसमें थोड़ा ग्रेडियंट कर सकते हो, तो मैं इसको इस तरह से कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे मैं वो पेस्ट कर देता हूँ ऐसे करके। तो दोस्तों यहाँ से आप ग्रेडियंट थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। दोस्तों जितना आप इसमें टाइम दोगे डिजाइन की अच्छी ही बनेगी। और दोस्तों यहाँ पे इसको मैंने पेस्ट कर दिया कुछ इस तरह से, ये हमारा शो रहा फेमस। अब दोस्तों क्या करना है, चार्ट कुल्फी सेंटर को भी थोड़ा अच्छा लिखना है तो उसको थोड़ा सा छोटा करेंगे, F12 प्रेस करेंगे और आउटलाइन पैनल खुल जाएगा, 4K आउटलाइन लगा देंगे यहाँ पे इसमें, कलर कर लेंगे रेड, आउटलाइन करेंगे व्हाइट। और दोस्तों इसमें कीबोर्ड से प्लस प्रेस करेंगे तो पूरे का एक कॉपी और हो जाएगा एरो की से ऊपर नीचे करके, यहाँ पे इसमें ब्लैक की आउटलाइन लगा देंगे इस तरह से दोस्तों, और इसको या फिर ब्लैक की लगा देंगे या ब्लू की लगा देंगे या जो भी ठीक लगे ये ठीक लगे उसको ओके कर। इसमें भी दोस्तों ड्रॉप शैडो क्रिएट करेंगे कुछ इस तरह से 65 और ये कंट्रोल केस, इसको ब्रेक कर लेंगे दोस्तों और यहाँ पे इसको ऐसे कर देना, छोटा कर देना दोस्तों, इसको थोड़ा छोटा कर देना कुछ इस तरह से। अब दोस्तों क्या करना है, इस जो ऑर्डर लिए जाते हैं बुक किए जाते हैं ये लाइन लिखी है, इसमें भी आउटलाइन क्रिएट करनी है तो 12 प्रेस करेंगे दोस्तों। आउटलाइन के लिए आपको कीबोर्ड से F12 प्रेस करना होता है। यहाँ पे आपकी इसकी प्रॉपर्टीज में इसकी यहाँ पे 4 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ मैंने, क्योंकि यहाँ से पॉइंट लगा के रखा है इसलिए मैं पॉइंट में करता हूँ दोस्तों। अगर आपको कोई और ऑप्शन हो तो आप उसको पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं फिल करता हूँ बिहाइंड फिल और ओके। अब दोस्तों इसका कलर कर लेते हैं व्हाइट और इसको कर लेते हैं रेड या ब्लू, दोस्तों इसको ब्लू कर लेता हूँ मैं जो कि देखने में ठीक लग रहा है। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, इसमें जो ये कुल्फी है इसकी एक इमेज कॉपी करेंगे तो इसको सीधा क्लिक करके और राइट क्लिक कर देंगे जहाँ पे छोड़ेंगे तो इसकी एक कॉपी हो जाएगी दोस्तों। तो इस वजह से नीचे वाली लेयर को ऊपर कर लेते हैं या ऊपर ही रहने देंगे। अब दोस्तों इसमें भी ड्रॉप शैडो क्रिएट कर लेंगे, इसमें आउटर ग्लो ड्रॉप शैडो क्रिएट करेंगे दोस्तों ताकि इसमें साइड साइड व्हाइट हो जाए, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लार्ज ग्लो पे क्लिक करेंगे, नॉर्मल पे जाएंगे यहाँ पे दोस्तों, ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसका कलर चेंज कर लेंगे, येलो कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे और
इसका यहाँ पे दोस्तों ओपेसिटी 100 ही रहने देंगे, लो इसका कर लेंगे 5 आराम कुछ इस तरह से। तो अब इसका कलर चेंज कर लेंगे यहाँ से, और ये इसका कलर कर लेंगे कुछ इस तरह से, या रेड कर लेंगे जो भी अच्छा लगे आप वो कर लीजिएगा। मैं इसका रेड कर देता हूँ कलर। यहाँ से इसको लार्ज ग्रुप पे क्लिक करना है, ऐड पे क्लिक करना है, इसका कलर कर देते हैं रेड, और यहाँ से 5। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, देखिए इसका ये कलर शो हो रहा है रेड कलर, तो सिर्फ के साथ क्लोज अप करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे इसका रेड कलर शो नहीं हो रहा तो इसको चेंज कर लेंगे, जो भी शो हो उसमें वो लगा देंगे। तो वाइट कलर ही मैं लगा देता हूँ इस तरह से, देखिए वाइट कलर दोस्तों इसमें शो हो रहा है, और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर ऐड करना, तो आप मोबाइल नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं, मोबाइल नंबर यहाँ भी लिख सकते हैं। मैंने इसमें स्पेस छोड़ दिया, यहाँ पे दोस्तों ऊपर लिख देते हैं यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं कि जय माता दी, जो उसमें लिखी होती है दोस्तों ज्यादातर बोर्ड में, जय माता दी। और इसमें इसको थोड़ा छोटा कर लेंगे दोस्तों कुछ इस तरह से, और इसकी कॉपी करेंगे कंट्रोल के साथ, यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे और यहाँ पे ड्रैग कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब दोस्तों इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो तीनों में गैप बराबर हो जाए कुछ इस तरह से, और इसको कंट्रोल जी करेंगे तो सेलेक्ट करके छोटा कर लेंगे, F12 प्रेस करेंगे, A प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, एक पॉइंट आउटलाइन लगा देंगे इसमें, इसको रेड कर देंगे या पिंक कर देंगे दोस्तों कुछ इस तरह से, और ओके कर देंगे। अब देखिए दोस्तों ये आपका बोर्ड बन के रेडी हो जाएगा। दोस्तों इस इमेज को ड्रैग करके थोड़ा नीचे कर लेंगे ताकि ये दिखे कुछ इस तरह से दोस्तों, और इसमें भी ऊपर से भी ट्रांसपेरेंसी टूल ऐड कर देंगे, तो ट्रांसपेरेंसी टूल ऐड कर लेंगे, ट्रांसपेरेंसी टूल पर क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से ऊपर भी ऐड कर देंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से आपका, और इसको पावर क्लिप इनसाइड कर लेंगे तो सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड कर लेंगे। दोस्तों ये इसमें इमेज है इसलिए पावर क्लिप इनसाइड नहीं हो रहा है, तो पहले इस इमेज को पावर क्लिप इनसाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और पावर क्लिप इनसाइड। अब दोस्तों इस पूरे को पावर क्लिप इनसाइड कर लेंगे, ऐसे एक एक करके सब कुछ पावर क्लिप इनसाइड कर लेंगे। अब दोस्तों इस इमेज को भी पावर क्लिप इनसाइड कर लेंगे, ये देखिए कुछ इस तरह से आपका ये बैनर बनके तैयार हो जाएगा। और दोस्तों आपको इसमें अगर कलर करेक्शन करना है तो आप यहाँ से, जैसे कि मैंने बताया मैं दूसरी वीडियो में मैंने डाला था, यहाँ से आप एक रेक्टेंगल टूल लेंगे, उसमें जो भी आपको कलर करना है आप रेड कर सकते हैं, येलो कर सकते हैं, जो भी आपको करना, मैं इसमें ऑरेंज करता हूँ। और यहाँ पे इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज कर लेंगे, तो इस पर क्लिक करेंगे ट्रांसपेरेंसी वाले, तो यहाँ पे आपको ऐड पे करना है, ऐड सबसे ऐड जो भी आपको ठीक लगे उस पर क्लिक कर लीजिएगा, जो कि अच्छा लगता है देखने में दोस्तों, उसमें कलर शो होते हैं अच्छे अच्छे दोस्तों। बाकी मैं नॉर्मल ही रहने दूंगा, देखिए ये भी अच्छा लग रहा है, ओवरले पे क्लिक करता हूँ ये भी अच्छा लग रहा है, देखिए कुछ इस तरह से सारे कलर शो हो रहे हैं दोस्तों। तो इसके लिए दोस्तों मैं इसको कंट्रोल एक्स करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, पीलापन देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है इसमें दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको रिलेटेड वीडियो पर डे मिलते रहेंगे। तो दोस्तों मैं इसकी CDR फाइल भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप वहां से फाइल डाउनलोड करके इसका यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्राफिक डिजाइन इन हिंदी। जय हिंद जय भारत।